Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Phapunda ki Kishori Sangh hue sharirik ve mansik shoshan ki ghatna aur uske baad paida hue halaat se Brahman samaj mein vyapak asantosh hai. Sapa ke rashtriya sachiv Ankit Sharma, वरिष्ठ अधिवक्ता देवकरण शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इन लोगों ने पीड़ित परिवार का मुकदमा निःशुल्क लड़ने का आश्वासन दिया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि किशोरी का सिर्फ चार लोगों ने नहीं बल्कि पूरे झोटा गैंग ने उत्पीड़न किया है। इस गैंग में 30 से 35 लोग शामिल हैं, जबकि पुलिस सिर्फ चार लोगों को गिरफ्तार कर बैठ गई है। सत्ताधारी लोग इन लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। यदि पुलिस ने इन लोगों को भी गिरफ्तार नहीं किया तो वे आंदोलन के लिए विवश होंगे। दरअसल फपुंडा गांव की एक किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में मंगा ली गई थी। इसके बाद अंत समय तक उसका मानसिक व शारीरिक शोषण किया जाता रहा। पुलिस जांच में दबी जुबान में यह बात भी सामने आई है कि शोषण में सिर्फ अंकुर कसाना, आयुष कसाना, उज्ज्वल शादाब नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक लोग शामिल रहे हैं। इस बारे में आज सपा नेता अंकित शर्मा ने मीडिया से यह कहा। भैया, आप गांव फपुंडा में आए हो, क्या मामला है, प्रकरण क्या है, पूरा जरा बता दीजिए। देखिए, एक हमारी बेटी जो कि नाबालिग थी, कक्षा 11वीं की छात्रा थी, उसके साथ रेप किया गया और वो बेचारी बच्ची अभी क्योंकि नाबालिग थी, उसके साथ कम से कम 25 से 30 लोगों ने रेप किया और इतनी दरिंदगी की कि उस लड़की ने आत्महत्या करने पे मजबूर हुई और उसने आत्महत्या की। ये कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे, हाँ, जब वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि वो लड़की अपने माँ बाप से नहीं चाहती थी कि ये बात उन तक पहुँचे, क्योंकि माँ बाप तक बात पहुँचती तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। उस लड़की का जब वीडियो उन लड़कों ने वायरल कर दिया और उसके बाद भी उसका उत्पीड़न किया गया, जब उस लड़की ने फंदा लगा के खुदकुशी कर ली। तो परिवार वालों से आप मिलने आए हो, क्या आश्वासन दिया है आपने? देखिए, कल हम लोग पूरे अपने समाज को लेकर के पहले हम SSP के यहाँ जाएंगे और हमने एक दरख्वास्त हम पहले SSP को देंगे और उस पर हम समय उनसे निश्चित करेंगे कि क्योंकि इस कांड को 24 सितंबर को ये कांड हुआ है, तो हम ये उनसे निश्चित करके उठेंगे कल कि आप ये बताइए कि आखिर कितना समय और पुलिस प्रशासन इसका खुलासा करने में लेगा, और ये भी स्पष्ट कीजिए कि अब तक इस पर कार्रवाई जिस तरीके से हो जानी चाहिए थी, अगर और कोई, मैंने पहले भी अपने व्यक्तित्व में कहा था कि इसकी जगह, ब्राह्मण समाज की जगह अगर और कोई बिरादरी होती तो शायद अब तक टांग में गोली भी लग गई होती, शायद अब तक FIR भी दर्ज हो गई होती और बुलडोज़र भी चल गया होता। लेकिन उस बच्ची के लिए, उस बच्ची ने ऐसा क्या किया था जो उसके साथ ये अन्याय इन लोगों ने किया? क्या मान के चल रहे हैं आप, इसमें किसका प्रेशर है पुलिस कार्रवाई नहीं करती? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कह के चलूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर है, लोकल नेताओं का प्रेशर है, जो अन्य बिरादरी के नेता हैं उनका प्रेशर है, वो उनको संरक्षण देते रहे हैं। अन्यथा मैं नहीं मानता कि पुलिस पिछले 12-13 दिनों में खुलासा ना कर पाए। पुलिस फोर्स तो ऐसी फोर्स है कि 24 घंटे में पाताल लोक से भी निकाल के ले आती है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति सीधी सी है, कल हम पहले SSP से मिलेंगे, फिर ADG से मिलेंगे, दोनों से हम समय की मांग रखेंगे और वो समय की मांग की म्याद जो है वो 24 से 48 घंटे की रखी जाएगी। अगर इस समय में खुलासा नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, और जब तक इस लड़की को न्याय नहीं मिल जाएगा यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता देवकरण शर्मा का यह कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं पुंडा गांव में आए हो, क्या है पूरा प्रकरण? मैं देवकरण शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा। फपुंडा प्रकरण में मैं पीड़ित परिवार से अभी मिला हूँ। मिलने के बाद मालूम हुआ है कि वो अभी बहुत परेशान है, बहुत डरा हुआ है और अभी उन्हें न्याय नहीं मिला है। क्या प्रकरण था, किस बारे में मिले? प्रकरण में जो उनकी बेटी के साथ जो रेप हुआ है, जैसा कि उन्होंने बताया कि इसमें 25-30 लोग झोटा गैंग के समेत कुछ गैंग बनाया हुआ था, उन लोगों ने बलात्कार किया, फिर उसने आत्महत्या करी। इस प्रकरण को हर स्तर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या आरोप है? देखिए, यहाँ पे जो आरोप लगाया जा रहा है, मंत्री जी पर आरोप लगाया जा रहा है, जो भाजपा सरकार के मंत्री जी हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है, और सरकार से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं
उन पर आरोप लगाया जा रहा है, और की ओर जो सरकार में हमारे जुड़े ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनकी भी जुबान क्यों बंद है। मेरा ये कहना है कि अपराधी की कोई जाति बिरादरी नहीं होती, और बेटी सबके हैं। क्या अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कार्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या तब आपकी रूह नहीं कांपेगी? जो मैंने समझा, जो मैंने दर्द समझा, बिना SIT गठन के इसमें इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। मैं जिस लायक हूँ, जितना भी हूँ, मैं अपने अधिवक्ताओं के ग्रुप के साथ इस मुकदमे को फ्री लड़ने की घोषणा करता हूँ। यही मेरे हाथ में है। मैं पीड़ितों को जब तक न्याय मिलेगा, अपने एक मंडल के साथ, जो मेरा अधिवक्ताओं का मंडल है, उसके साथ इसका मुकदमा को फ्री लड़ूंगा। और जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जो जो इस अपराध में संलिप्त है, मैं DM, SSP, DGP महोदय के यहाँ जाऊँगा। अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल और धरना भी करना पड़ेगा। वहीं स्थानीय निवासी पूनम शर्मा ने मीडिया से यह कहा। पूनम जी, क्या पूरा मामला हुआ था और तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? जी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। कुल 4 जनों की अरेस्टिंग हुई है, जबकि झोटा गैंग ओपन होना चाहिए, जिसमें कि 30 और 35 लड़के हैं। कुछ मेरे गांव के हैं, कुछ आसपास गांवों के हैं। अगर उन्हें सबक ना मिला तो उनके मुंह तो खून लग जाएगा। और जैसे अब हरकत करी उन्होंने, जाहिर है कि आगे भी ऐसी करेंगे। लड़की सुरक्षित नहीं है जी। कब से ये परेशान कर रहे थे? समथिंग 2 साल लड़की का उत्पीड़न करा है। तो आपके कहने के अनुसार आप पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं है? 4 की अरेस्टिंग हुई और विवेचना दिखा रहे हैं, जबकि होना चाहिए और की भी होनी चाहिए। इसमें झोटा गैंग का खुलासा होना बहुत जरूरी है। कितने लोग थे इसमें? 30 से 35। अच्छा, अब तक कितने लोगों का कार्रवाई करी है? 4 की अरेस्टिंग हो चुकी है अब तक। अब क्या चाहते हैं आप? औरों की अरेस्टिंग होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए पूरा का पूरा झोटा गैंग का। 30 से 35 में मुख्य आरोपी कितने हैं? ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। जाँच बोल रहे हैं की जाँच हो रही है, मोबाइलों में जो भी जैसे भी मिलता जाएगा वैसे ही अरेस्ट होते जाएंगे, बट होने चाहिए अरेस्ट। इस अपडेट पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।